Hi guys, welcome back to another vlog. So in this video we will be exploring Thekkady and इससे पहले मैंने Kerala series के दो videos डाले हैं. In case अगर आपने वो check नहीं किए तो उनका link भी मैं नीचे description में डाल दूंगी. And if you like this video, please take a moment to like, share and subscribe to this channel and let's get this video started. मुनार ना सिर्फ अपनी टी प्लांटेशंस के लिए ही नहीं, अपनी चॉकलेट्स के लिए भी उतना ही फेमस है. एंड ऑफकोर्स मी बींग अ चॉकलेट लवर, मैं काफ़ी एक्साइटेड थी टू विजिट अ चॉकलेट फैक्ट्री. और हम पहुंच गए मकोफा चॉकलेट फैक्ट्री इन मुनार. अपार्ट फ्रॉम टेस्टिंग द चॉकलेट्स, यहाँ पर कोको फ्रूट से लेकर पूरी चॉकलेट बनाने का प्रोसेस बताया जाता है. सो दिस इज द फ्रूट, इसमें से कोको के सीड्स निकाले जाते हैं. इनको ड्राई किया जाता है और फिर इन ड्राइड सीड्स को प्रोसेस करके चॉकलेट में कन्वर्ट किया जाता है. मैंने यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट वैरायटीज की चॉकलेट्स खाई, सब कुछ एकदम फ्री में. एंड देन आई एंडेड अप बाइंग आमंड चॉकलेट्स फॉर माई सेल्फ. मुनार, यू बीन ट्रूली वंडरफुल. एंड हम निकल गए अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए Thekkady. Thekkady पहुँचते ही हमारी सबसे पहली डेस्टिनेशन थी वहाँ का सबसे बड़ा हिंदुस्तान स्पाइस गार्डन. एज वी स्टेप इन टू द लश ग्रीन स्पाइस गार्डन ऑफ Thekkady, द एयर वॉज फिल्ड विद द डिलाइटफुल अरोमा ऑफ कार्डमम, क्लोव्स, सिनेमन एंड सो मच मोर. कलर में फ्लावर आएगा, उसके बाद ग्रीन कलर में ग्रीन ट्री, सुपारी का ट्री, सुपारी जानती है ना? हाँ, सुपारी हाँ, बिटर नटर उसका ट्री है वाला, ये लंबा ट्री पूरा सुपारी का है. पेपर का प्लांट है यही है. इसमें से अपन थ्री टाइप पेपर मिलते हैं, ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट, मालूम है क्या? तीनों बताए. जो स्पाइसेस हम हर दिन यूज करते हैं वो कैसे बनती है और हम तक कैसे पहुँचती है, ये जानना वॉज डेफिनेटली अ डिलाइटफुल एक्सपीरियंस. बट इट इज ट्रू दैट परचेजिंग स्पाइसेस एंड अदर मेडिसिंस फ्रॉम देयर कैन बी रिलेटिवली एक्सपेंसिव. स्पाइस गार्डन देखने के बाद हमारी अगली डेस्टिनेशन Thekkady में थी द एलिफेंट जंक्शन. ये वो जगह है जहाँ पे जाने के लिए हम दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि यहाँ पे आप एलिफेंट्स के साथ बहुत ही सारी फन एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जैसे कि एलिफेंट राइड्स, एलिफेंट शावर एट्सेट्रा. बहुत सारे लोगों को एलिफेंट जंक्शन काफ़ी ओवर हाइप भी लगता है, बट पर्सनली फॉर अस गेटिंग अप क्लोज एंड इंटरैक्टिंग विद दीज जेंटल जाइंट्स वॉज अ वंस इन अ लाइफ टाइम इनकाउंटर. आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन वॉज द पेरियार टाइगर रिजर्व, एक ऐसी जगह जहाँ पर आप बोटिंग और सफारी दोनों साथ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं. रिजर्व में अंदर जाने के लिए यू हैव टू टेक द गवर्नमेंट बस, जिसकी टिकट इज 75 रुपीज पर पर्सन. सफारी के नाम पर वी एंडेड अप स्पॉटिंग जस्ट डियर, बाइसन, सांबर एंड अ फ्यू वैरायटीज ऑफ बर्ड स्पीशीज, बट द बोटिंग एक्सपीरियंस इन जनरल वॉज वेरी गुड बिकॉज द वेदर वॉज इन आवर फेवर एंड द एम्बियंस वॉज जस्ट ग्रेट. That's how we ended our day in Thekkady and checked in into our hotel, the Oxygen Resort. Honestly, the room was very average, but it had a very nice balcony with a valley view, so we were happy about it. Thank you so much for watching this video, and I will see you soon in the next one.